A doctor is never off the study, and even at 26, I am feeling the same pressure and exam vibes, just like an 18-year boy studying NEET or JEE. Because after 1.5 months, I have my major exams coming, and I am all set to get this done with flying colors. Hello everyone, I am Dr. Darshan Patel, a small human who is trying to make this earth somewhat more productive. So अभी मैं एम्स जोधपुर में MS जनरल सर्जरी के थर्ड ईयर में हूँ एंड ये 3 साल के बाद आपको एक बहुत ही हैवी एंड डिफिकल्ट एग्जाम देना पड़ता है टू गेट योर MS डिग्री एंड टू वर्क एज अ सर्जन इन द सोसाइटी. टोटल 4 पेपर्स, 2 डेज ऑफ वाइवा सेशंस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्टडी. सो टुडे इज द संडे एंड इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग. आई एम ऑफ कॉल टुडे एंड सो इट्स अ गुड टाइम टू यूटिलाइज इट फॉर द स्टडी. आफ्टर क्विक ब्रशिंग एंड टेकिंग बाथ मैंने आज के वर्क्स का टू डू लिस्ट बना लिया. मैंने डिसाइड किया है कि आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट अंटिल आई विल मेक टू डू लिस्ट. सिर्फ 2 मिनट का काम होता है बट जब तक हमें रिवार्ड नहीं मिलता हम उसे आलस में निकाल देते हैं. सो आई मेड इट इमीडिएटली टू गेट माई ब्रेकफास्ट एज अ रिवार्ड. आई मेड अ टी एंड वाइल टेकिंग ब्रेकफास्ट आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द मैरो. आज का मेरा प्लान है जनरल सर्जरी के जनरल पार्ट का ओवरव्यू लेना. यस, जनरल सर्जरी में भी एक जनरल सर्जरी का सब पार्ट आता है एंड MS के लेवल पे वो जनरल सर्जरी इंक्लूड करता है आपके फाइनल ईयर MBBS के पूरे सर्जरी का सिलेबस. आई एम प्लानिंग टू रीड इट फ्रॉम माय फेवरेट सोर्स मैरो. रिसेंटली मैंने मैरो SS का सब्सक्रिप्शन भी परचेस कर लिया है एंड आई एम ऑन इट टू यूटिलाइज इट मैक्सिमम फॉर माय MS एंड MCH एग्जाम्स. फॉर दैट धीरे धीरे मैंने अपने ब्रेन को 24/7 फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन मोड पे डालना भी स्टार्ट कर लिया है जैसे मैं इंटर्नशिप में नीट PG के लिए प्रिपरेशन करता था. यानी कि मैं पूरे दिन की एक एक सेकंड का बहुत ही अच्छे से स्टडी के लिए यूटिलाइज करूंगा अनटिल एंड अनलेस कोई इक्वली इंपॉर्टेंट काम में कर रहा हूँ यानी कि हॉस्पिटल ड्यूटीज या फिर वीकली यूट्यूब वीडियोस. फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स मैंने मेरो नोट्स से 10 चैप्टर्स खत्म कर दिए. वुंड मैनेजमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स, शॉक, सुचर्स एंड रिलेटेड जनरल सर्जरी पार्ट्स. ये सारी बेसिक चीज़ें हैं बट बिकॉज एज अ ह्यूमन टाइम के साथ हम भूल जाते हैं एंड सो हमें पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ता है. सो अगर आप भी पढ़ा हुआ थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो तो इट्स डेफिनेटली ओके. रिलैक्स, अंडरस्टैंड एंड रिवाइज अगेन. आई टूक अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स एंड पब्लिश्ड एंड ऑलरेडी अपलोडेड शॉर्ट्स वीडियो. दैट इज़ द अनबॉक्सिंग ऑफ सिल्वर प्ले बटन. यूट्यूब हैज़ गिवन मी मैनी थिंग्स अमंगस्ट विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ यू. थैंक यू फॉर स्टॉपिंग हियर बाय एंड गिविंग मी योर टाइम टू मेक दिस वर्ल्ड समवट मोर प्रोडक्टिव. सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे. आई रीड ब्रेस्ट एंड थायरॉयड डिसऑर्डर्स. ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर्स हैं एंड सो टूक ऑलमोस्ट 3 आवर्स टू कंप्लीट इट. ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर इन इंडियन फीमेल्स एंड बिकॉज ऑफ एडवांसेस इन ऑन्को सर्जरीज इट इज क्योरेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कैंसर वाली पूरी ब्रेस्ट को हम निकाल देते हैं जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी. ब्रेस्ट को बाद में आर्टिफिशियली रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अगर यंग एज पेशेंट है और फॉर बेटर कॉस्मेटिक आउटकम्स. आई ऑल्सो सॉ सम वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम मैरो. रोहन खंडेलवाल सर इज रियली लीजेंड ऑफ सर्जरी हु एक्सप्लेन्स सर्जरी इन सच अ ब्यूटिफुल वे. अलॉन्ग विथ हिम फॉर ऑल द डिफरेंट स्पेशलिटीज दे हैव वेल नॉन सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स टीचिंग अस. एवरी थिंग इज एक्सप्लेन सो नाइसली. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मैरो फॉर मेकिंग दिस ऑसम एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कोर्सेज.
वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है पढ़ने के लिए एंड मैं पढ़ूंगा भी, बट एज आई ऑलवेज से यू मस्ट हैव टू डू स्मार्ट वर्क। सो ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है, तो मैं एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहा हूँ। एंड मैरो में एक्चुअली बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मैरो ड्यूरिंग माई नीट पीजी प्रिपरेशन। आई एम पुटिंग ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मैरो इन माई एम एस एंड एम सी एच एग्जाम्स ऑल्सो। इट हैज़ ऑल द सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज इन सिंगल पैकेज, इंक्लूडिंग यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गेस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, जनरल सर्जरी एंड एवरीथिंग। एंड माई प्लान इज टू रीड एवरीथिंग बिफोर माई एम एस एग्जाम्स। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गिव रेगुलर नेशनल लेवल मॉक टेस्ट, ऑल्दो नीट एस एस देने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, बट स्टिल मॉक टेस्ट देने में क्या जाता है, थोड़ा बहुत पता चलता रहेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पेपर के बारे में। इवन सिर्फ मेरो एसेस करके भी मैं एमएस एग्जाम देने जाऊँ तो टॉप हो जाए, एंड साथ में एमसीएच का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। यही तो है स्मार्ट वर्क, बिकॉज पूरी बुक का सिर्फ 20% ही पढ़ना होता है, एंड यही 20% क्रिस्प एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन मेरो में दिया हुआ है, वो भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स एंड जर्नल्स से उठा के। एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन माई नीट पीजी टाइम्स, सो ओनली आई एम पुटिंग सो मच ट्रस्ट ऑन इट। सडनली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई सीनियर फॉर द इमरजेंसी ऑपरेशन। सर्जन की लाइफ में इमरजेंसी ऑपरेशन कभी भी आ सकता है, एंड मुझे याद नहीं कि एक भी संडे मेरा ऑपरेशन के बिना गया हो। आई इमीडिएटली रीच्ड टू हॉस्पिटल। पेशेंट को टेस्टिकुलर नेक्रोसिस हो गया था, एंड वाइल वॉकिंग फ्रॉम पार्किंग टू ओटी आई रीड दैट टॉपिक फ्रॉम मैरो अलॉन्ग विथ सर्जिकल टेक्निक फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। वो कोई ओल्ड एज बाबा थे जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से स्क्रोटल एडिमा हो गया था, एंड गांव में किसी क्वैक दोरे धागे वाले के पास गए होंगे तो उसने स्क्रोटम पे टेस्टिस के ऊपर ही गरम सलिया चेप दिया था, एंड उसकी वजह से बाबा का राइट टेस्टिस पूरा का पूरा गैंग्रीनस हो गया था। वो टेस्टिस अब कोई काम का नहीं था, बाबा की फैमिली भी कंप्लीट हो गई थी, एंड इन्फेक्शन को फैलता हुआ रोकने के लिए हमने उसको रिमूव कर दिया। 21वीं सदी में भी लोग ऐसे दोहरे धागे एंड एबीजे तरीकों में विश्वास रखते हैं, ये जान के कभी कभी बहुत दुख होता है। एंड ये वीडियो के जरिए मैं आपसे यही संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी का इलाज दोहरे धागे से नहीं होता है। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, बट एक बार पहले क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा तो दो। अगर आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसे अंधश्रद्धा में बिलीव रखता है तो उसको ये वीडियो दिखाकर एक बार जरूर से अवेयर कीजिएगा। इट वॉज 1 आवर प्रोसीजर एंड मैं अगेन घर वापस आ गया। आते ही मैं फिर से पढ़ने बैठ गया। आई स्टार्टेड रीडिंग GIT, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। इट इंक्लूड्स होल ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इसोफेगस टू अनल कैनल। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशंस आर टू कॉमनली एनकाउंटर्ड इमरजेंसीज। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स आंत में रुकावट आ जाती है, जिसके बहुत सारे रीजन्स है, एंड अगर दिक्कत ज़्यादा है तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। वो ही रुकावट अगर ज़्यादा हो तो आंत फट जाती है, एंड उसको बोलते हैं परफोरेशन। इस स्थिति में ऑपरेशन ही इलाज है, एंड उसके बाद भी मरीज की जान बचना कई बार मुश्किल हो जाता है। आफ्टर 4 आवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी मोड आधा GIT कम्प्लीट हुआ। आई टूक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर, वेंट टू रूफ टॉप एंड एन्जॉयड अ ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ द जोधपुर। नेचर हैज़ द मोस्ट हीलिंग पावर देन एनीथिंग। आपके दिमाग के बड़े से बड़े टेंशंस एंड अनसर्टेनिटीज को वो हील कर देता है। आई टॉक्ड विथ माई पेरेंट्स ऑन वीडियो कॉल वाइल टेकिंग डिनर। वीकेंड इज द टाइम वेन आई मैनेज एवरी थिंग, फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज टू स्टडीज, फैमिली टाइम एंड ऑब्वियसली सम सेल्फ प्रोडक्टिव टाइम, बिकॉज सेल्फ टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर योर पर्सनल माइंड ग्रोथ। आई ऑल्सो कॉल्ड माई फियांसे अंजलि। शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड हर MD मेडिसिन रेसिडेंसी एंड हार्डली गेट एनी फ्री टाइम, सो वी कान टॉक मच। जब आप दोनों डॉक्टर्स हो तब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, वरना हर दूसरे दिन ट्रस्ट इश्यूज आते हैं एंड बवाल होती रहती है। वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर सो नाइसली एंड दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड अवर 5+ years ऑफ प्योर एंड डिवाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग रिमेनिंग ऑफ द GIT एंड आफ्टर 4 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन आई फाइनली कम्प्लीटेड इट। ऑनेस्टली अभी मैंने पूरे सिलेबस का 5% भी कम्प्लीट नहीं किया है, क्योंकि MS में आपको ड्यूटीज़ के अलावा ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। MBBS खत्म होने तक आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट MD MS में आपका ज़्यादातर फोकस क्लिनिकल स्किल्स पे रहता है। पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करने से लेकर उसका ऑपरेशन, उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, उसका वार्ड केयर एंड गुड कम्युनिकेशन विद प्रॉपर बिहेवियर,
ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक से सीखने को नहीं मिलती है। एंड इसीलिए ही हम 3 साल रात दिन सीनियर सर्जन्स के साथ रह के डिफरेंट ऑपरेशंस देखते हैं, सीखते हैं एंड उसको आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। बट यस, अब वो टाइम आ गया है जिसमें 3 साल में जो भी थोड़ा बहुत सीखा है वो सारी चीज़ें बुक्स में से रीड करके उसको अच्छे से दिमाग में कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए। आज वार्म अप कर लिया है, धीरे धीरे गियर अप भी करते जाएंगे। इट्स 1:30 AM midnight एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।